हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे गाइस। फिर मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेके आई हूँ गाइस। आज मैं कस्टमर के करके दिखाऊंगी आपको। रेड वाइन की ब्लीच होगी और डायमंड फेशियल होगा। कौन सा होगा मैं ये आपको दिखाऊंगी, कौन सा ब्रांड होगा। ये मेरी कस्टमर है, हाय बोलो। हाय, कैसे हो? और गाइस मैं ये करके दिखाती हूँ स्टेप बाई स्टेप। आपके मैसेज भी आ रहे थे कि फुल फेशियल दिखाओ, तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ब्लीच के साथ। और सबसे पहले मैंने क्लीन कर दिया इनका क्लींजिंग मिल्क से, और उसके बाद मैं आपको गाइस मैं ये लॉरियल का कर रही हूँ, डायमंड का। इसमें ये 5 स्टेप हैं। ये आपको बाउल लेना है एक, ये 5 स्टेप हैं गाइस। एक ये रहा, ये क्लींजर, ये स्क्रब, ये क्रीम है, ये जेल है, ये पैक है। इस तरीके से करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपको ये हैंड्स में लेना है, फिर हल्का हल्का ये आपको पूरे फेस पे अब्सॉर्ब करना है, फिर हल्का सा पानी का हाथ लेना है आपको इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में। फेस पे ये अब्सॉर्ब करना है आपको, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। स्लो मोशन से करना है बिल्कुल, जितने स्लो से करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा गाइस। ये आपको राउंड ले जाना है इस तरीके से। वीडियो काफी लंबी होगी, मैं थोड़ी सी स्किप करके बनाऊंगी, एक आधा स्टेप मिस कर दूंगी इसमें से। बाकी वैसे पूरे स्टेप दिखाऊंगी आपको, आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कईयों के। इस तरीके से आपको पूरा पली फिंगर से आपको आईज के ऊपर राउंड राउंड घुमाना है, जिससे रिलैक्स मिले थोड़ा, और ये पॉइंट दबाने हैं फोरहेड के। इस तरीके से 2 से 3 बार आपको पूरा करना है, ये मेन पॉइंट बीच के दबाने, फिर ऐसे राउंड करके यहाँ के पॉइंट दबाने। आप 2 से 3 मिनट क्लींजिंग मिल्क करोगे, फेस क्लीन करना है हमें। इस तरीके से आपको फुल स्टेप करने हैं गाइस।
मॉइस्चराइज आप स्पंज की मदद से इस तरीके से आपको क्लीन करना है। जो भी आप डायरेक्शन करोगे ऊपर की डायरेक्शन होती है लूज, नीचे की डायरेक्शन में नहीं करना है आपको फेशियल कोई भी स्टेप। उसके बाद आपको स्क्रब लेना है इसी तरीके से हैंड्स पे लेना है गाइस, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको फेस पे रखना है। आप ये गुलाब जल भी ले सकते हो, आप पानी से भी कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे गाइस उस तरीके से करना है। और दूसरी बात, जिसके स्क्रब जो हार्ड होते हैं तो काफ़ी आपको स्मूथ हाथों से करने हैं, बहुत स्लो हाथ चलाने हैं आप स्क्रब यूज़ करोगे। ज़्यादा स्क्रब यूज़ करते हो तो स्किन भी छिल जाती है, रेड पड़ जाती है, तो आपको स्क्रब जो भी कोई करोगे आपको बहुत स्लो हाथ से करना है इस तरीके से। प्रेशर से करना है फेस के ऊपर गाइस, अब ठंड आएगी तो हम स्टीम देंगे बीच में इस तरीके से आपको। प्रॉपर पूरा ऐसे राउंड घुमा के इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से फेशियल करना है। मैं स्क्रब कर चुकी थी, अब ये मैं क्रीम कर रही हूँ। आपको क्रीम भी इसी तरीके से करनी है। आप वीडियो मांग रहे थे, मैं आज आपके लिए फुल वीडियो बना रही हूँ गाइज। लाइक भी किया करो, आप लाइक नहीं करते, देखते तो वीडियो सब हैं बट लाइक नहीं करते, लाइक भी किया करो। ये मैं आपके लिए फुल वीडियो बना रही हूँ गाइज, जैसे टाइम मिलता है मैं जब भी मिला बना देती हूँ। ये आजकल पार्लर में भी थोड़ा स्लो चल रहा है काम, गाइज आपको कितने भी स्टेप कर सकते हो आप, जितने आपको आते हैं स्टेप तो काफ़ी होते हैं गाइज, जितने आपको सूटेबल लगते हैं टाइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले मैंने क्लींजिंग कराया था, फिर स्क्रब किया है, अब ये मैं क्रीम कर रही हूँ। इस तरीके से ये राउंड राउंड भी घुमाना है, राउंड घुमा के यहाँ पॉइंट दबाओ। कस्टमर को रिलैक्स होना चाहिए गाइस, आपको रिलैक्स मिल रहा है रिलैक्स मिल रहा है, जितना रिलैक्स मिलेगा जितना अच्छा होएगा, स्लो मोशन में करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इस तरीके से आपको नोज पे, आईज पे, अपर लिप्स पे इसके बाद जो करोगे बिल्कुल स्लो से करना है आपको, हल्के हाथों से करना है बिल्कुल। ये आपको जेल लगानी है, लास्ट स्टेप है, उसके बाद पैक है। जेल में हम पानी का हाथ नहीं लेंगे गाइस,
होते हैं गाइस, बस सेम ही होते हैं सब कुछ। ये आपने कहा था फुल वीडियो, तो मैंने फुल वीडियो बनाई है आपको। कैसा रिजल्ट आया ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको रिव्यू भी बताऊंगी कैसा लगा इस कस्टमर को। ये काफी बार आ चुके हैं मेरे पास ही आती हैं फेशियल कराना। गाइस उन्होंने गाउन ये चेंज नहीं करती अपना, ये पहन के ही कराती है। आपको सिर्फ 2 मिनट करनी है आपको, हर एक फेशियल पे लिखा रहता है गाइस, आपको ना पता हो। अब नहीं तो फेशियल वाले हो आप, पार्लर वाले हो, तो उनको सबको नॉलेज रहती है। और आप घर में आप देख के भी स्टेप कर सकते हो फेशियल, घर में भी देख के मेरी वीडियो सीख सकते हो गाइस, इस तरीके से आपको पूरे स्टेप करने हैं। ट्रीटमेंट करनी है, इसके बाद मैं पैक लगाऊंगी, इसके बाद विटामिन ई का कैप्सूल लगाऊंगी ग्लो के लिए। भाई वीडियो काफी लंबी हो गई है, आपको इस तरीके से सारे फिंगर हैं आपको चलाने हैं, फिर दोबारे लिप्स पे आना है, फिर अपर लिप्स पे आना है इस तरीके से। फिर नोज पे आना है, नोज के भी 2-3 स्टेप हैं कैसे कर, कैसे फिर आईज के नीचे से यहाँ से राउंड ले जाके फिर ये पॉइंट लगाना है, राउंड राउंड घुमाना है, फिर इस तरीके से ऊपर आ जाओ आप, इसी तरीके से फिर गाइस आपको नीचे जाना है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, मैंने ये पैक लगा दिया, इनका लास्ट स्टेप है, उसके बाद में ये विटामिन ई का इनको आप कैप्सूल भी लगा कर दूंगी, इनको काफ़ी टैलेंट है। ये विटामिन ई का कैप्सूल है, तरीके से आपको 5 मिनट ये पैक रखना है, उसके बाद रिमूव करना है मसाज करके, पहले मसाज करनी है फिर पैक उतारना है गाइस, पैक उतार के फिर उसके बाद पूरा क्लीन करके आपको फिर ये कैप्सूल लगाना है। कैप्सूल लगा के आपको आधे 1.25 घंटे आपको ऐसे छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लो गाइस। और फेशियल कराने के बाद आपको धूप में या वैसे टैनिंग वाली जगह पर नहीं जाना, उसका रिजल्ट थोड़ा और अच्छा नहीं मिलता। थोड़ी केयर करके रखोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर बेल आइकन जरूर दबाना गाइस। ओके बाय। गाइस आपको इस तरीके से मसाज करके कोई भी पैक लगाते हो आपको मसाज करके उतारना है, इस तरीके से आपको मसाज करनी है। और फिर एक स्पंज की मदद से आपको ये क्लीन करना है, गाइस अच्छी तरह क्लीन कर दिया मैंने इनका फेस। उसके बाद ये मैं कैप्सूल लगा दूँ ग्लो के लिए। आपके पास सीरम हो तो आप सीरम भी लगा सकते हो, कैप्सूल भी लगा सकते हो, ड्राइनेस हो जाता है थोड़ा बहुत, इस तरीके से आपको पूरे फेस पे
से अब्सॉर्ब करना है। इनका फेस का रिजल्ट आया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहीं अपना फेशियल कराती हूँ, ब्लीच भी यहीं कराती हूँ। मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी होता है इनका, फेशियल का भी, हर चीज़ का। बहुत मैं यहाँ बहुत संतुष्ट हूँ। थैंक यू गाइस। मेरे कस्टमर ने रिव्यू दिया है। ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर बेल आइकन जरूर दबाना। ओके गाइस, बाय।